अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, जिसमें हम सीखेंगे अल्केन की कॉमन नेमिंग और आयोपिक नेमिंग किस तरीके से करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आयोपिक नेमिंग करने के उसूल बताए थे, और उसके अलावा बड़ा कुछ कंपाउंड्स की आयोपिक नेमिंग करना जो है वो सिखाया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, ताकि आयोपिक नेमिंग की जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर हो सके। तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, जिसमें हम सीखेंगे अल्केन की कॉमन नेमिंग और आयोपिक नेमिंग करना। ये बात क्लियर हो रही तो बेटा सबसे पहले अल्केन का कुछ तारुफ हो जाए। तो बेटा अल्केन क्या है? अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि बेटा अल्केन में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। और अल्केन के मेंबर्स में शामिल है, पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पैंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। तो बेटा जो नेमिंग हम करते हैं सिस्टम ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही। तो बेटा इस पिक्चर में आप कॉलम में देखेंगे लिखा होगा वर्ड रूट, और उसके बराबर में लिखा होगा प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो बेटा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को इस्तेमाल करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो नेमिंग करते हैं। तो अगर क्या बेटा अल्केन में कार्बन की तादाद हो एक, तो वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे मिथ, ऐसे ही है, और आगे क्या बेटा एन लगा देंगे, तो बन जाएगा मिथेन। पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा इसका कंडेंस स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर इथेन में देखें तो इथेन में बेटा कार्बन की तादाद है दो, तो अगर कार्बन की तादाद हो दो तो इस्तेमाल करेंगे बेटा वर्ड रूट इथ, आगे लगा देंगे एन, ऐसे ही। अगर आप प्रोपेन का कंडेंस स्ट्रक्चर देखें, उसमें कार्बन की तादाद है तीन, तो इसकी नेमिंग करने के लिए वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आगे लगा देंगे एन, तो बन जाएगा प्रोपेन। अगला कंपाउंड देखें बेटा, उसमें कार्बन की तादाद है चार, ठीक है, तो वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो आगे लगा देंगे एन, तो क्या बन गया बेटा ब्यूटेन। इसके अलावा बेटा अगला कंपाउंड देखें, उसमें कार्बन की तादाद है पाँच, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो लिखेंगे बेटा पेंट, आगे लगाएंगे बेटा एन, तो क्या बन जाएगा पेंटेन। इसके अलावा अगले कंपाउंड देखें बेटा, कार्बन की तादाद है छः, तो वर्ड वुड इस्तेमाल करेंगे हैक्स, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन लगा देंगे तो बन जाएगा हैक्सेन। तो इसी तरीके से बेटा हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन में कार्बन की तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है, तो हम मुख्तलिफ वर्ड रूट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा तो इन इस्तेमाल करेंगे। तो इन तमाम के बारे में मैंने बेटा पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा कॉमन नेमिंग की तरफ, कि अल्केन की कॉमन नेमिंग किस तरीके से करेंगे। तो बेटा मैं कुछ अल्केन्स के जो है स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो देखिए बेटा पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3, CH2, CH2 और CH3। तो बेटा ये हमारे पास एक अल्केन है, कैसे पता चला बेटा कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो इसकी कॉमन नेमिंग करनी, ठीक है। वैसे तो ये बेटा ब्यूटेन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है, ये क्या है बेटा ब्यूटेन, आप उससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, हमें इसकी जगह नहीं बेटा कॉमन नेमिंग करनी। तो बेटा जब भी कॉमन नेमिंग करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में मौजूद तमाम कार्बन को जो है वो नेमिंग का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, एक स्ट्रेट चेन अल्केन है, तो इसकी अगर कॉमन नेमिंग करनी है तो वो लिखेंगे बेटा एन। एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बेटा स्ट्रेट चेन, ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं स्ट्रेट चेन है, कार्बन की ज़्यादा चार, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ओके। इसकी आयोपिक नेमिंग है बेटा सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन, कॉमन नेमिंग है बेटा एन ब्यूटेन, ठीक है। तो एन जो है वो बता रहा है बेटा नॉर्मल चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। इसी तरह बेटा ब्यूटेन का एक आइसोमर है CH3C और CH3। आइसोमर क्या होता है बेटा, इसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो इसका भी बेटा जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो C4H10 है, इसका भी मॉलिकुलर फार्मूला C4H10 है, तो इसकी भी कॉमन नेमिंग करनी किस तरीके से करेंगे। तो बेटा जब भी कॉमन नेमिंग करते हैं तो तमाम कार्बन को नेमिंग का हिस्सा बनाते हैं, ओके। तो ये क्या है बेटा, एक ब्रांच फॉर्म है, और ब्रांच फॉर्म बेटा ये एक स्ट्रेट चेन है और ये इसमें एक ब्रांच लगी हुई, ठीक है। तो इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो इसकी नेमिंग करने के ज़रा यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये है कार्बन नंबर वन, ये है कार्बन नंबर टू जो नीचे मौजूद है, कार्बन नंबर टू के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर क्या बेटा एक ब्रांच लगी हुई कार्बन नंबर टू के साथ, तो लिखेंगे बेटा आइसो, क्या लिखेंगे आइसो, ठीक है। टोटल कार्बन कितने चार, तो लिखेंगे बेटा आइसो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, आइसो ब्यूटेन, बात क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा एक और पढ़ते हैं कंपाउंड जरा, जिसका नाम है, नाम छोड़े स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH3 CH2 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 और CH3। टोटल कार्बन की तादाद है बेटा पाँच, तो वर्ड रूट इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा बेटा पेंट, ऐसे ही, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, वैसे तो हमें इसकी कॉमन नेमिंग करनी है, तो कॉमन नेमिंग करने के लिए देखिए बेटा ये इसकी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन अल्केन, तो लिखेंगे एन पेंटेन, आईपीसी नेमिंग होगी बेटा इसकी पेंटेन, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ।
इसके अलावा बेटा पेंटेन के तीन आइसोमर होते हैं, एक तो ये हो गया, एक और लिख रहा हूँ बेटा CH3 CH CH2 और CH3, ये बेटा पेंटेन का एक और आइसोमर, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा, दोनों में पांच कार्बन है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, कॉमन नेमिंग। तो देखिए बेटा कार्बन नंबर टू के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कार्बन नंबर टू के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है, तो लिखेंगे बेटा आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, टोटल कार्बन पाँच है। ठीक है, पेंटेन का जो है वो एक और आइसोमर है, देखिए बेटा CH3 CCH3 और CH3 और CH3, तो ये बेटा पेंटेन का एक आइसोमर, इसका ही मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। तो बेटा देखिए कार्बन नंबर टू के साथ दो ग्रुप लगे हुए, तो इसकी नेमिंग में लिखेंगे बेटा नियो, दो ग्रुप लगे हुए हों तो क्या लिखेंगे बेटा, नियो पेंटेन, नियो लिखें, तमाम कार्बन के लिए बेटा पांच आ रहा है, पेंट एन। ओके, तो इस तरीके से बेटा कॉमन नेमिंग करते हैं। तो बेटा जो आपके पास कंपाउंड, इसकी मैंने कॉमन नेमिंग करवाई, इसकी आयोपिक नेमिंग भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम सीखेंगे आयोपिक नेमिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो किताब में आयोपिक नेमिंग करने के रूल्स लिखे गए हैं, तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो मैंने उस रूल के मुताबिक ही क्या है बेटा, कंपाउंड्स को अरेंज किया। ठीक है, पहले इधर से पढ़ेंगे और फिर जो है इस जानब बढ़ेंगे, ताकि क्या बेटा तमाम बातें आपको क्लियर होती चली जाए। रूल्स को मैंने नहीं लिखा। तो बेटा अगर अल्केन की हमें आयोपिक नेमिंग करनी है या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें पैरेंट चेन का इंतखाब करना पड़ता है। पैरेंट चेन क्या होता है, तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की चेन का इंतखाब करना होता है, ऐसी चेन जो कि लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, पैरेंट चेन कहते हैं। इसके बारे में बेटा मैंने पिछली वीडियो में क्लियर करवाया, तो आप उसे ज़रूर जाके देखिए। तो बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन कौन सी है, कहाँ बन रही है, तो बेटा ये बन रही है कार्बन की लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन, ये बन रही है बेटा कार्बन की लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन। ठीक है, बन गई। ओके, तो बेटा इस चेन के साथ एक ग्रुप भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस चेन के साथ क्या लगा हुआ है, एक ग्रुप, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट और इसे कहते हैं बेटा पैरेंट चेन। तो जब भी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, पैरेंट चेन में कार्बन की नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा पैरेंट चेन में कार्बन की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो बेटा नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्या बेटा सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट जो है बेटा वो कहाँ से करीब है, यहाँ से करीब है कि यहाँ से करीब है, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से करीब है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो बेटा इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 5। ठीक है, तो आ जाए बेटा इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो इसकी नेमिंग में देखिए बेटा, दूसरे नंबर कार्बन के पास क्या बेटा, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दूसरे नंबर कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो लिखेंगे बेटा 2-मिथाइल, तो इसकी पोजीशन बताएंगे 2-मिथाइल। ठीक है, 2-मिथाइल, बात क्लियर हो रही। ठीक है, कोई मसले की बात तो नहीं। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, हमारे पास वर्ड रूट आएगा। तो बेटा जब भी आईपैक नेमिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, और फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद बेटा सेकेंडरी सफिक्स, इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, तो बेटा जो प्रीफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या बेटा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा बेटा वर्ड रूट। तो बेटा पैरेंट चेन में देखें कार्बन की तादाद कितनी है, तो पैरेंट चेन में कार्बन की तादाद है 5। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा पेंट, ऐसा ही है, और बेटा कार्बन कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, तो ये क्या हो गया बेटा 2-मिथाइल पेंटेन हो गया, 2-मिथाइल पेंटेन। तो किताब में बेटा ये कंपाउंड नहीं है, किताब में ये कंपाउंड नहीं है, किताब में कोई दूसरा कंपाउंड है, मैंने इसको चेंज कर दिया। तो अब आ जाए बेटा मैं किताब वाला कंपाउंड लिखता हूँ। ठीक है, किताब वाला कंपाउंड लिखता हूँ, तो किताब में जो कंपाउंड लिखा हुआ है, जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, कुछ यूँ लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये तो बेटा मैंने पहले जो नेमिंग की थी उसका नाम है, अब इसकी नेमिंग करूँगा। तो अब इसमें देखें, तो इसमें भी क्या बेटा हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद है, तो इसकी हमें क्या है बेटा नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपने पैरेंट चेन को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले पैरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पैरेंट चेन को सेलेक्ट करना है बेटा, पैरेंट जो है बेटा वो लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन होती है, तो यही दोबारा पैरेंट चेन, यही दोबारा क्या है बेटा पैरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, नंबरिंग वहाँ से करेंगे, ठीक है, जहाँ पे क्या है बेटा सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से करीब है, दोबारा 1 2 3 4 5, अगर नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 को तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करनी है, तो बेटा यहाँ पे अब हमारे पास क्या है बेटा, दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम भी मिथाइल, इसका नाम भी मिथाइल, तो इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो आ जाए देखें। तो
बेटा मिथाइल जो है बेटा वो टू पोजीशन पर है और थ्री पोजीशन पर, तो लिखेंगे बेटा टू कॉमा थ्री। उसके बाद क्या बेटा एक डैश लगाएंगे, इसे हाइफन कहते हैं, टू कॉमा थ्री। मिथाइल कितने हैं बेटा, दो है, तो लिखेंगे बेटा टू कॉमा थ्री डाई मिथाइल, टू कॉमा थ्री डाई मिथाइल। ठीक है, कार्बन की तादाद है बेटा पाँच, तो लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, टू थ्री डाई मिथाइल पेंटेन। ओके, इसके अलावा बेटा अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखूँ तो इसको आपने नेमिंग खुद करनी है, सी एच थ्री सी एच और सी एच और सी एच और सी एच थ्री। ठीक है, यहाँ पे सी एच थ्री लगा हुआ है, यहाँ पे भी सी एच थ्री लगा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या बेटा सी एच थ्री लगा हुआ। तो इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो पैरेंट चेन का इंतखाब करेंगे। ठीक है, पैरेंट चेन का इंतखाब कर लिया, अब इसके बाद क्या बेटा नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देख ले, यहाँ से नंबरिंग कर ले, बहुत आसान है। तो बेटा इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसकी नेमिंग में हमें जो है जो मिथाइल ग्रुप लगे उसको बताना है। ठीक है, तो दूसरे नंबर कार्बन में, तीसरे नंबर कार्बन में, चौथे नंबर कार्बन, तो लिखेंगे बेटा टू थ्री फोर। सही है, टू थ्री फोर। मिथाइल ग्रुप कितने बेटा, तीन है, तो लिखेंगे टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे बेटा पेंटेन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पेंटेन। ये बात क्लियर हो गई, तो मैंने अभी आपको सिखाया बेटा पहले में मिथाइल ग्रुप एक था, दूसरे में मिथाइल ग्रुप दो था, और तीसरे में क्या बेटा मिथाइल ग्रुप जो है वो तीन है। तो इसको तो मैं मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये किताब में नहीं था लेकिन मैंने लिखा है ताकि आप क्या बेटा तरीक़ेकार को समझ सकें। तो अगर मिथाइल ग्रुप एक हो तो सिर्फ मिथाइल लिखेंगे, दो हो तो डाई मिथाइल, तीन हो तो ट्राई मिथाइल। तो ये किताब में मौजूद था, तो मैं इसे नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा दूसरा हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अल्केन है, कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसकी हमें नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के लिए पैरेंट चेन का इंतखाब करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा पैरेंट चेन क्या होती है बेटा, लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन, जो कि ये मौजूद है हमारे पास। ठीक है, ये है बेटा लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन। तो बेटा इस चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अल्काइल अल्काइल, जिसे बेटा मिथाइल कहते हैं, इसे भी मिथाइल कहते हैं। तो बेटा जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग करेंगे तो पैरेंट चेन के इंतखाब के बाद नेमिंग नंबरिंग करनी है। क्या करनी है बेटा, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, तो बेटा जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो करीब हो। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर कार्बन में, और यहाँ से देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दूसरे नंबर कार्बन में मौजूद है, यानी कि बेटा दोनों सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो सेम है। नंबरिंग यहाँ से करें तो तब भी आता है बेटा मिथाइल, नंबरिंग यहाँ से करें तो तब भी क्या बेटा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आता है। तो इस केस में बेटा आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपका दिल चाहे। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो आ जाए नेमिंग कर लें। तो बेटा टू पोजीशन पर मिथाइल है और फोर पोजीशन पर मिथाइल है, तो लिखेंगे बेटा टू कॉमा फोर हाइफन, उसके बाद डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे बेटा, डाई मिथाइल। कार्बन की तादाद है बेटा पाँच। ठीक है, तो वर्ड रूट कार्बन की तादाद है पाँच, तो टू फोर डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर हो गई बात। ओके, तीसरा हमारे पास है बेटा एक और अल्केन, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बेटा इस तरीके से मौजूद है। तो जब भी नेमिंग करेंगे तो पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, पैरेंट चेन जो है बेटा वो लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन होगी, तो हमने बेटा पैरेंट चेन को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो बेटा पैरेंट चेन के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, एक का नाम है मिथाइल, दूसरे का नाम है इथाइल। तो बेटा इस केस में हम नंबरिंग जो है वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है बेटा यहाँ से करीब है। ठीक है, तो कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, तो इसकी जो है वो नंबरिंग तो हो गई। ठीक है, अब इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगा इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल। तो जब भी आप इसकी नेमिंग करेंगे तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले ग्रुप का नाम। ठीक है, तो इथाइल जो है बेटा वो शुरू होता है ई से, और मिथाइल शुरू होता है एम से। तो जब नेमिंग करेंगे तो पहले इथाइल का जिक्र करेंगे और फिर मिथाइल का जिक्र करेंगे। बात क्लियर हो रही। तो बेटा कार्बन नंबर थ्री में इथाइल मौजूद है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा थ्री इथाइल। इस बात को याद रखना है, इस बात को नोट कर लेना है, थ्री इथाइल टू मिथाइल। ठीक है, नेमिंग नंबरिंग तो वहीं से करेंगे जहाँ से बेटा सब्स्टिट्यूएंट करीब है, लेकिन लिखेंगे बेटा पहले इथाइल के बारे में, तो थ्री इथाइल टू मिथाइल, थ्री इथाइल टू मिथाइल।
उसके बाद आएगा बेटा वर्ड रूट, कार्बन की दरार कितनी है चेन में, 6, तो लिखेंगे बेटा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3-ethyl-2-methyl-hexane। इसके अलावा बेटा अगला कंपाउंड है, तो इसमें देखिए बेटा इसमें जो आपके पास जो सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है वो सेम पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है, दूसरे नंबर कार्बन पे, और दूसरे नंबर कार्बन पे आप कहीं से भी नंबरिंग करें, ठीक है। अब मसला ये कि बेटा जो सब्सिट्यूएंट है दोनों डिफरेंट है, इस केस में क्या था बेटा सब्सिट्यूएंट सेम था तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते थे, ठीक है, सब्सिट्यूएंट सेम था नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या बेटा सब्सिट्यूएंट ही डिफरेंट है दोनों सेम पोजिशन पर, तो नंबरिंग जो है वो कहाँ से करेंगे, तो बेटा नंबरिंग वहाँ से करेंगे, ठीक है, लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले सब्सिट्यूएंट की तरफ से। तो बेटा क्योंकि ये है इथाइल ये है मिथाइल, जो नंबरिंग यहाँ से होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो यहाँ पे बेटा मिथाइल करीब था तो हमने इस हिसाब से नंबरिंग की, तो यहाँ पे क्या बेटा दोनों सेम पोजीशन पर आ रही हैं, दूसरे नंबर कार्बन पे, दूसरे नंबर कार्बन पे, तो प्रेफर हम करेंगे बेटा इथाइल को, लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को। तो आज इसकी नेमिंग करते हैं, तो पैरेंट चेन तो ये है, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया, भूल गया, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये पैरेंट चेन है। तो दूसरे नंबर कार्बन में मौजूद है इथाइल, पाँचवें नंबर में मौजूद है बेटा मिथाइल। तो आज हम इसके बारे में लिखते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बेटा मैं 2-ethyl, 2-ethyl, दूसरे नंबर कार्बन पे इथाइल मौजूद है। उसके अलावा बेटा 5-methyl, ये हो गया बेटा प्रेफिक्स। वर्ड रूट की बारी, बेटा चेन में कितने कार्बन है, पैरेंट चेन में 6, तो लिखेंगे बेटा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, तो ये इसकी नेमिंग यहाँ पे हो गई। इसके अलावा बेटा एक और हमारे पास अल्केन है, देख सकते हैं कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड मौजूद है, पैरेंट चेन का इंतखाब करना है, पैरेंट चेन जो बेटा लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन होगी, तो ये है बेटा पैरेंट चेन, हमने इसका इंतखाब कर लिया, ठीक है। अब पैरेंट चेन की नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ सब्सिट्यूएंट करीब हो, ठीक है। तो देखिए बेटा जो पहला सब्सिट्यूएंट है वो दूसरे नंबर कार्बन पे और यहाँ से भी दूसरे नंबर कार्बन पर मौजूद है, और दूसरा सब्सिट्यूएंट देखें वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है, ये ज़्यादा करीब है, ये दोनों क्या है बेटा ज़्यादा करीब है और ये दूर है, तो नंबरिंग बेटा यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब आज इसकी नेमिंग कर लेते हैं, तो 3-methyl ग्रुप है, ठीक है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे, तो लिखेंगे बेटा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है, कार्बन की दरार 6, तो लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो बेटा स्ट्रेट चेन अल्केन थे, इसकी नेमिंग मैंने आपको सिखा दी, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब बढ़ते हैं बेटा साइक्लो अल्केन की तरफ, किसकी तरफ बेटा साइक्लो अल्केन की तरफ। तो साइक्लो अल्केन में देखिए बेटा हमारे पास मौजूद है CH2, 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 CH2 है, क्या बन रहा है बेटा साइकिल बन रहा है, कार्बन की दरार है इसमें 4 और तमाम के में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा बेटा साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। इसलिए हमारे पास एक साइकिल बन रहा है, कार्बन की दरार है 5, तमाम के में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका नाम होगा बेटा साइक्लो पेंटेन, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और हमारे पास है साइक्लो अल्केन, तो इसमें कार्बन की तादाद है साइकिल में 6, तमाम के में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। इसके अलावा बेटा साइक्लो प्रोपेन भी हो सकता है, तो साइक्लो प्रोपेन में जो कार्बन की तादाद होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और एक साइकिल बन रहा होगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा साइक्लो प्रोपेन कहेंगे। तो आयोपिक नेमिंग आपने सीख ली, तो बेटा जो हमने यहाँ कॉमन नेमिंग की थी इसकी भी आयोपिक नेमिंग देख लेते हैं। तो एन ब्यूटेन को लिखेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन की जो आयोपिक नेमिंग है वो क्या होगी, तो आपने नंबरिंग करनी है, तो 1, 2, 3, तो दूसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो लिखेंगे बेटा 2-methyl, ठीक है, पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, 2-methyl propane, ओके। अच्छा एन पेंटेन को क्या लिखेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ पेंटेन लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ पेंटेन, ये आयोपिक नेमिंग है। आइसो पेंटेन, तो आइसो पेंटेन की आयोपिक नेमिंग क्या होगी, तो बेटा पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, ये है बेटा पेरेंट चेन, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ सब्सिट्यूएंट करीब हो, 1, 2, 3, 4, दूसरे नंबर पे सब्सिट्यूएंट मौजूद है, तो लिखेंगे बेटा 2, सब्सिट्यूएंट क्या बेटा मिथाइल है, तो 2-methyl ब्यूटेन, ये है बेटा आयोपिक नेमिंग, ये है बेटा कॉमन नेम, ओके। इसके अलावा बेटा नियो पेंटेन, तो नियो पेंटेन की जो है आयोपिक नेमिंग क्या होगी, पैरेंट चेन का इंतखाब करें, तो पैरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया, कार्बन की नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, तो दूसरे नंबर कार्बन पे 2 ग्रुप मौजूद हैं,
ठीक है, दो मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो लिखेंगे बेटा 2,2। उसके बाद डाई मिथाइल, ठीक है, कार्बन की पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3, तो लिखेंगे बेटा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से क्या है बेटा, मैंने आपको अल्कीन की जो नेमिंग है, कॉमन नेमिंग और आयोपिक नेमिंग दोनों आपको सिखा दी। उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर हो गई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।